नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर सुकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसआर सुकनगर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इसके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। अशोकनगर से संबंधित कई तरह की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। अशोकनगर जिले में कई किसान ऐसे हैं जो प्रगतिशील हैं और खेती एवं दूसरी चीज़ों में नए नए प्रयोग करते रहते हैं। खेती के अलावा कई सारे किसान उद्यान की बागवानी एवं दूसरी चीज़ों को लेकर भी लगातार प्रयोग करते रहते हैं। इन्हीं किसानों को प्रोत्साहन देने एवं उनकी चीज़ों को अवलोकन करने के लिए बीते दिनों डॉक्टर मंजू शर्मा अशोकनगर जिले की नई सराय तहसील के सीहोर गाँव पहुँचे। सीहोर में हरिराम कुशवाहा अपने फार्म हाउस पर नए तरीके से एवं नई तकनीकों से खेती करते हैं, साथ ही आम की एक बम्पर आवक भी बीते कुछ दिनों में ले चुके हैं। इन्हीं सब को देखने के लिए कलेक्टर आज उनके यहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि हरिराम कुशवाहा की 2.5 बीघा के खेत में लगभग सभी तरह की फल सब्जियाँ एवं दूसरी चीज़ लगे हैं। बीच में लगभग 20 प्रकार के आम भी मौजूद हैं। हरिराम कुशवाहा के खेत में आमों में आम्रपाल, जैसा, दरेशी, बादाम एवं अन्य कई प्रकार के दूसरे भी आम लगे हुए हैं। इनके साथ साथ कटहल, इलायची, बादाम, जामफल, नार, मौसमी, संतरा, सेवफल, लीची, नरियल, सुपारी, सौंठ, देवड़ा, काली मिर्ची, हल्दी, आलू बुखारे, सीताफल आदि फलों का संग्रह भी है। उल्लेखनीय है कि अशोकनगर जिले में किसी एक फार्म हाउस में इस तरह की चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फूलों में मोगरा, चमेली, चंपा, चापा, गुलमोहर, रतरानी जैसे फूल भी इनके फार्म हाउस में हैं। इसके अलावा इस छोटे से खेत में आलू, हल्दी, बैंगन, रतालू, टमाटर, लौकी जैसी सब्जियां भी लगी हैं। उल्लेखनीय है कि हरिराम कुशवाहा बीते 10 वर्षों से इसी स्थान पर रहकर खेती का काम कर रहे हैं और हर वर्ष कुछ ना कुछ नया प्रयोग करते रहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर दूसरे किसानों को प्रोत्साहन देने के एवं प्रशिक्षण के लिए आज कलेक्टर और कृषि विभाग से संबंधित तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी उनके फार्म हाउस पर पहुँचे। अशोकनगर जिले के उन्नत कृषक अभय खैर ने बताया कि कलेक्टर के इस तरह के प्रयासों से जिले भर में उन्नत खेती करने एवं प्रगतिशील किसानों को आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। कलेक्टर के साथ डीडीए कृषि, सहायक संचालक उद्यान की, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं दूसरे प्रगतिशील किसान तथा राजस्व विभाग के पटवारी, तहसीलदार एवं दूसरे लोग उपस्थित रहे। जुलाई माह के शुरू से ही अशोकनगर जिले के स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने एवं स्कूलों में शिक्षकों के समय पर पहुंचने के लिए कई सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। अशोकनगर जिले के तमाम अधिकारियों की इसमें ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अशोकनगर कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा भी समय समय पर मैदानी इलाकों में पहुंचकर स्कूलों का निरीक्षण करती हैं। बुधवार को कलेक्टर की डॉक्टर मंजू शर्मा फुटेरा, तरावली एवं राजतरा के शासकीय स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान तीनों ही स्कूलों को बंद पाया गया। जब स्कूल खुलने का समय होता है उस दौरान एक भी विद्यालय में शिक्षक नहीं पहुंचे थे। 10:30 बजे से 11 बजे के दौरान कलेक्टर ने इन स्कूलों का निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ की आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ स्थानों पर आंगनबाड़ी खुली मिली तो कुछ में कार्यकर्ता और सहायिकाएँ अनुपस्थित मिली। कलेक्टर के दौरे के दौरान फुटेरा में कार्यकर्ता बिमलेश शर्मा उपस्थित रहीं, जबकि सहायिका शांति साहू अनुपस्थित मिली। तरावली की आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता मनोरमा रघुवंशी एवं सहायिका ममता केवट दोनों उपस्थित नहीं थीं। राजतला के आंगनबाड़ी केंद्र को भी बंद पाया गया और यहां की कार्यकर्ता बाल कुमारी एवं सहायिका रानी दुर्गावती अनुपस्थित मिली। कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने स्कूलों में जो शिक्षक पदस्थ हैं और समय पर नहीं आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में अनुपस्थित मिली कर्मचारियों के विरुद्ध महिला बाल विकास से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर के दौरे के कुछ देर बाद ही जिला शिक्षा अधिकारी आदित्य नारायण मिश्रा इन स्कूलों में पहुंचे, इनका जायजा लिया। साथ ही उन्होंने स्कूल की दूसरी व्यवस्थाओं को भी देखा। इस दौरान राजतला हाई स्कूल की शिक्षिका सविता शर्मा, सुकुमारी यादव जो समय से काफ़ी विलंब से पहुंची थीं, करीब 12:30 बजे के करीब ये पहुंची हैं। इनकी इस अनुपस्थिति निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी ने मानी और इन्हें निलंबन कर निर्देश दिए गए हैं। साथ ही राती खेड़ा में सोमलता पंत भी अनुपस्थित मिली। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय के स्टाफ द्वारा भी निर्धारित समय से पहले स्कूल बंद करने पर उनके संबंधित स्टाफ को भी नोटिस दे दिया गया है। इसके अलावा फुटेरा में अमान सिंह बौद्ध समय के बाद उपस्थित हुए, जिस कारण उनका एक दिन का वेतन काट दिया गया है। उधर माध्यमिक विद्यालय फुटेरा में रुचि जैन
25 तारीख से अनुपस्थित चल रही हैं। राजतला माध्यमिक स्कूल में शकुंतला सेन हस्ताक्षर कर स्कूल से वापस चली गई हैं। इन सभी को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। सबसे पहले हम रातीखेड़ा विद्यालय में गए थे तो शासकीय माध्यमिक विद्यालय रातीखेड़ा में सोमलता पंत 11:25 पर अनुपस्थित मिली, उन पर कार्रवाई जल्दी कर रहा है। और पुटेरा में भी जो है एक अध्यापिका का जो मेडिकल पे है, पर उनका जो है ना तो कोई डॉक्टर सर्टिफिकेट था ना सिकनेस का, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही, वो भी अनुपस्थित हैं। और फुटेरा में अमान सिंह बौद्ध 11:50 पर जो प्रधान अध्यापक है वो अनुपस्थित पाए गए, उनकी एक दिन की वेतन रोकने के आदेश जारी कर रहे हैं। और राजतला में जो है दो महिला शिक्षक सविता शर्मा और शिव कुमार श्रीमती शिव कुमारी यादव, दो अनुपस्थित मिली है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, उनको निलंबन अथवा अभी नोटिस जो भी अभी हम तय करेंगे उस हिसाब से आज कार्रवाई सभी विद्यालयों पर कर रहे हैं। अशोकनगर जिला चिकित्सालय की लापरवाहियों का एक और बड़ा जीता जाता नमूना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को सामने आया। यहां महिला वार्ड में भर्ती एक नाबालिग बच्ची के साथ एक मनचलिए ने हरकत करने की कोशिश की है। शौचालय गई इस बच्ची के साथ ज्यादती करने के दौरान उसकी शोर मचाने के कारण मरीजों और स्थानीय दूसरे लोगों ने किसी तरह से इस बच्ची की इज्जत तो बचा ली, मगर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाहियों पर बड़े प्रश्न इस घटना ने खड़े कर दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में जिला अस्पताल में भर्ती एक गांव की दो बच्चियां जो नाबालिग हैं और बीमारी के कारण बीते कुछ दिनों से यहां बीमार भर्ती हैं, जब इनमें से एक लड़की शौचालय के लिए गई थी उसी दौरान एक मनचला युवक जो काफ़ी देर से अस्पताल में बैठा था वह भी उसके पीछे पीछे गया और अकेली देखकर उसको पकड़ लिया। इस बीच उसके साथ झूमा झटकी की, उसके साथ मारपीट करने की भी कोशिश की। बच्ची जब ज़्यादा शोर करने लगी और चिल्ला चोट की, इसके बाद मरीजों और उनके अटेंडरों ने आवाज़ सुनकर उसको बचाने की पहल की, जिस दौरान ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था या जो घटना हो रही थी अस्पताल प्रबंधन से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं था। अस्पताल में नाइट ड्यूटी पर रहने वाली ना तो नर्सें वहाँ पर थीं और ना ही सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए कोई सुरक्षाकर्मी वहाँ पर थी। ये गंभीर और बड़ा सवाल है कि महिला वार्ड में कोई भी पुरुष बिना किसी जानकारी के या बिना किसी रोक टोक के आसानी से घूम रहा है और वो महिलाओं की अस्मतों को लूटने का प्रयास कर रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने किसी तरह इस बच्ची की अस्मत लूटने से तो बचा ली, मगर इस तरह की जो घटना हुई है इसने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो समाज में महिलाओं और खासकर बच्चियों की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस युवक पर पॉस्को एक्ट एवं दूसरी धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, पर लोगों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन से जुड़े लोगों ने अगर पहले एहतियात बरता होता तो ये घटना रुक सकती थी। ये तो इस बच्ची की खुशकिस्मती रही या स्थितियां ऐसी थीं कि लोग वहां पर थे, वरना एक और बड़ा मामला प्रदेश भर में हलचल मचाने के लिए अशोकनगर जिला चिकित्सालय से सामने आ सकता था। अब देखने वाली बात है कि जिन चीज़ों को लेकर सवाल उठाए गए हैं या जो कमियां इस पूरी घटनाक्रम के दौरान देखने को मिली हैं उसके बाद जिला प्रशासन या अस्पताल प्रशासन क्या कहता है। इस पूरी घटना को लेकर DSO की छात्र जो इस समय यहाँ रात में मौजूद थी और उन्होंने ही प्रयास करके अस्पताल के लोगों को और पुलिस को बताया था, उनके अनुसार अगर उनकी बात माने तो अस्पताल से जुड़े लोगों के रवैये बहुत ही अफसोसजनक और खराब थे। रात में क्या घटना क्या हुई थी? घटना में सर रात में 12:30 के बीच में सोए थे, सुनने झपका लगा मुझे ब्रेंच पर, सामने वाली ब्रेंच पर। ठीक है। सामने वाली पर दो बच्ची भर्ती थी। ठीक है। और भी गले लोग हैं, कई खाली बच्ची नहीं थी और भी गले, तो मेरी नींद लगी थी जी पलंग वाले बगल वाले बोले मुझसे जाकर भैया उठी तुमने क्या कि तेरी बच्ची की तबीयत खराब हो, तुम्हें अंदर का जाकर देखो। हाँ, एक मुझे और भी बरसा नाम की जब ट्रेनर है और दो चार लोग और ने सुबह ऐसे पकड़े पकड़े मेरे पूछने की कब कश्मीर पापा की जो मेरी
झूमे झटकी कर रहा तो वो बंद कर रहा और लगता जा रहा है। अच्छा, गाड़ी लगाती है कितने बजे की है ये? ये घटना है 2 के बीच में। तो यहाँ कोई गार्ड मार्ड कोई नहीं था उस समय? गार्ड मार्ड सर कोई नहीं, वो आधा गार्ड मार्ड। अच्छा, और तो वॉशरूम अलग है कि इसी वार्ड में ही था? जी महिला वार्ड में था। तो वो लड़का कैसे घुस गया रात में? मुंदी मुंदी कुछ नहीं है उसमें। अब आने जाने जा रहे कोई यार, अब कोई पता है कोई पीछे से कौन आ रहा है। फिर आपने इसकी शिकायत वगैरह की पुलिस में, उसको सूचना दी थी? पुलिस रात के आ गई, ले गई उसको, रिपोर्ट कर दी।